अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रॉम मालदीव्स। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आप बहुत लंबी वेकेशन पे चले गए, वहाँ बैठ के कोई वीडियो बना दें, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को थोड़ा सा ट्रॉपिकल बर्ड्स के साउंड के साथ, बैकग्राउंड के साथ आप लोगों को मैं बताऊँ मोरिंगा यूज़ करके आप लोग किस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है डाइटिंग करने का, स्पेसिफिकली उन खवातीन के लिए जिनका वेट एक नॉर्मल रेगुलर डाइटिंग करते करते फंस गया है। तो बॉडी को जब आप एक चेंज दे देते हैं जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है और वेट एकदम से दोबारा से गिरना शुरू हो जाता है। और वो खवातीन जो कि बहुत कॉमन हमारा पाकिस्तान का मसला है कि बच्चे भेज दिए स्कूल, सुबह फजर के टाइम उठेंगे हम, पर बच्चे भेजेंगे पहले स्कूल, फिर हस्बैंड को भेजेंगे, घर वालों को खाना देंगे, अपने खाने की बारी आएगी सुबह 10 बजे। तो ऐसे करने से मेटाबॉलिज्म होता है स्लो, अनलेस आप इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग में कन्वर्ट कर लें। तो पाकिस्तानियों के लिए किस तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग बेहतर है और मैं अपने पेशेंट्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे कराती हूँ, ये बात करेंगे आज। पहली चीज़ तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग में डिस्कस करने वाली है कि आपने सप्लीमेंट कौन सा इस्तेमाल करना है। तो मैं अपने पेशेंट्स को मोरिंगा के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो करवाती होती हूँ, बहुत बेनिफिशियल रहती है उन खवातीन के लिए जिनको वेट कम करने की जर्नी में आपका एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाइट प्लान चल रहा होता है, तो उस पैटर्न से निकलना जब हो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग उसके लिए बहुत अच्छी है। या वो खवातीन जिनका जो हमारी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों का कि सुबह फजर के टाइम हम उठते हैं पर हमने पहले बच्चा भेजना होता है, खाली पेट, हमने कुछ नहीं खाया, हमने खाली पेट पहले बच्चा भेजना है, फिर हमने हस्बैंड भेजना है, उसके बाद हमारी बारी आनी है खाने की और बच जाते हैं 10, जब गदर उठाते हैं कहते हैं ओह हम तो 10 बज गए। तो ये टाइम टेबल ख़राब है, इसे वीकनेस भी होती है, पर अगर आप इसको इंटरमिटेंट फास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। आपने करना किस तरह से है, पहली चीज़ तो ये मल्टीविटामिन इस्तेमाल करना है, और अगर मोरिंगा की बात करें तो किस तरह से इस्तेमाल करना है कि जो परफेक्ट डाइट प्लान होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, वो मैं कहती हूँ कि पेशेंट्स को कि 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की विंडो रखें, 11 बजे खाएं, 3 बजे खाएं, 7 बजे खाएं, 4-4 घंटे दूर, ठीक है। उसमें फिर आप इस तरह से खाएंगे मोरिंगा, 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। अगर आपको बीच में भूख लगती है या आपको क्रेविंग्स वगैरह होती हैं तो 11 से जो 3 बजे वाला टाइम है बीच में छोटा सा स्नैक ले लें, जैसे कि नट्स वगैरह हो सकते हैं, हैवी चीज़ नहीं लेनी, ये याद रखना है। स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम होगी, भूख लगेगी, पर अगर आपने 3 से 4 दिन से वो कंट्रोल कर ली ना बीच की भूख, तो आपको बहुत सुखी हो जाएंगे, आपके लिए इंटरमीडियट फास्टिंग करना आसान हो जाएगा। तो सुबह के टाइम लेट्स से नट्स ले लिए, शाम को थोड़ा सा कुछ छोटा सा पोर्शन ले लिया फ्रूट का, पूरे फ्रूट की बात नहीं करी, थोड़ा ले लिया, बिकॉज थोड़ी देर बाद ही आपके डिनर का टाइम हो जाएगा। अगर आपने 3 बजे लंच किया है, 2 घंटे बाद थोड़ा सा फ्रूट ले लिया, उसके 2 घंटे बाद तो डिनर वैसे ही आ जाना है। एनर्जी डेंस चीज़ें लेनी है, मोरिंगा इस्तेमाल करना है, 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। और एनर्जी डेंस चीज़ें क्या होती हैं, वो किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं अभी। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके, और वो ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप कुछ भी खा सकते हैं, वो जो ईटिंग विंडो है उसमें। अच्छा मुझे की बात, मैंने खुद कुछ आर्टिकल्स पढ़े उसमें लिखा हुआ है कि भी कुछ भी खाएं आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो भाई जो ईटिंग विंडो है उसमें मस्त है आप, मतलब कुछ भी खाएं कोई भी चलेगा, ये नहीं होता, ये कभी भी नहीं हो सकता। देखिए डाइटिंग की जो डाइटिंग कह लिया, कोई भी एक हेल्दी रूटीन है ना, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कुछ भी खाएं तो कुछ भी नहीं होगा। आपने लाजमी अच्छी चीज़ें खानी है, हेल्दी चीज़ें खानी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक टेक्निकल बात है, वो ये कि बे इंतहा एनर्जी डेंस चीज़ें, वो चीज़ें तो भरपूर ताकत दें, आपने वो लेनी है, वो ना ली तो फिर नहीं होगी इंटरमिटेंट फास्टिंग। अच्छा भरपूर ताकतवर चीज़ें कौन सी हैं, जैसे नाश्ता है ना, अनाज लाजमी लेना है। फिर ये नहीं कहना कि मेरा दिल नहीं करता नाश्ता करने का, मैं सिर्फ अंडा और चाय ले लेती हूँ, यहाँ काम ख़राब होगा। अनाज लेना है, रोटी इस वक्त लाजमी लेनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग में, कोशिश करें दिन में 2 दफ़ा रोटी लें, सुबह और दोपहर को लाजमी रोटी लेनी है, वरना काम ख़राब हो जाएगा बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, प्रोटीन इनटेक सही नहीं होता। अच्छा जैसे सुबह नाश्ते में रोटी के साथ, चलो खैर कहते हैं आपने अंडा ले लिया, बड़ा अच्छा हो गया, ये बेस्ट नाश्ता रोटी के साथ अंडा ले लेना। दोपहर को आपने रोटी के साथ रैंडम कोई सालन ले लिया, और रात को रैंडम जो चीज़ सामने आई ले ली। डिनर का टाइम शुड बी फुल ऑफ प्रोटीन इसलिए बिकॉज अगर आप नोटिस करें जो मैंने अभी आपको पैटर्न बताया कि सुबह अंडा ले लेना, दोपहर को कोई भी रैंडम सालन ले लेना, इसमें प्रोटीन कहाँ पे है? प्रोटीन जब नहीं होती, प्रोटीन एक बहुत तवनाई वाली चीज़ है, प्रोटीन जब नहीं होती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आपने कोशिश करनी है डिनर शुड बी फुल ऑफ प्रोटीन्स, उसमें अगर आप किसी भी तरह की प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, आजकल फिश का सीज़न है, पेशेंट्स को बड़ा लगातार मैंने फिश यूज़ करवाई है काफ़ी ज़्यादा, कि 3 दिन चिकन ले लें, 3 दिन फिश ले लें, ऐसे ऑल्टरनेट कर लें, ठीक है। और उसके अलावा आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं उस वक्त आपने ये माइंड में फोकस रखना है इस चीज़ का कि इस डिनर पे आपने पूरी रात और अगले दिन का कुछ हिस्सा गुजारना है। पर ये बात सुनकर जज्बात में नहीं बह जाना कि भाई मैं कुछ भी खा लूँ, मैं कह रहा हूँ प्रोटीन का पोर्शन अच्छा लें, प्रोटीन आपकी पेट भरेगा, यस भरेगा, ऐसी कोई बात नहीं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में पेट नहीं भरता, प्रोटीन अच्छे पोर्शन का लेंगे तो पेट बहुत अच्छा भरेगा उसके साथ आपका। एक और चीज़ प्रोटीन में ये कि प्रोटीन में आप चिकन की कोई भी वेरिएशन बनाए, चिकन और दाल इकट्ठे कुक करें, आप बेशक हलीम बना लें, मुझे जैसे पेशेंट्स के लिए हलीम बहुत अच्छी ऑप्शन लगती है, बना के रख लेंगे 4-5 दिन इकट्ठे चल जाएगी, बोल निकाला खा लिया सैलड के साथ,
हलीम बना लें, चिकन कोई वेरिएशन बना लें, कबाब बना लें, दाल बना लें, दाल चिकन इकट्ठे कुक कर लें, चिकन को सब्जी के साथ कुक कर लें, जो दिल करता करें। ऑयल, आपने ऑयल कैसे इस्तेमाल करना है, एक चाय का चम्मच, चाय का चम्मच मीन्स टी स्पून, एक चाय के चम्मच से ऊपर ऑयल नहीं डालना। हम ऑयल के इनटेक का ध्यान रखते ही नहीं है, हम उसी परवाह नहीं करते, हमें भूल जाता है। तो ऑयल का इनटेक अगर आपने ज़्यादा कर लिया तो बड़े छोटे से पॉइंट होते हैं, पता है जब डाइटिंग ख़राब होती है, बहुत से लोगों से जब हिस्ट्री लेते हैं ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकलते हैं तेल शेल वाले जिससे डाइटिंग ख़राब हो रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अंडा आपने नाश्ते में बनाया है, अंडे को अगर आपने वो तड़कते हुए तेल में डाल दिया, उसके किनारे जल गया, आपकी प्रोटीन ज़ाया हो रही है अंडे की। स्टीम पे बनाएं, अंडा स्टीम पे बनाएं। ऑयल खाना है तो नट्स लें, नट्स का ताज़ा यू नो फ्रेश ऑयल लें। जैतून के तेल पे, हम कहते हैं ना खाना जैतून के तेल में बनाएं, तो जैतून के तेल में बनाने से बेहतर है, 1000 दर्जे की उसको आग लगाते हो आप जैतून के तेल को, उससे बेहतर है कि आप जैतून वैसे खा रहे हैं, सैलड के अंदर डालें ऑलिव्स, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो एनर्जी डेंस चीज़ें ऐसे बनती हैं, खाने में इत्तेदाल पसंदी के साथ खाएं, दिन में एक दफ़ा फ्रूट, इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी एक दफ़ा फ्रूट लाजमी खाएं, पर उस फ्रूट को डिवाइड कर लें, आधा सुबह ले लिया, आधा शाम को ले लिया। अपने बॉडी को कभी भी, स्टमक को आपने एंड तक भरना नहीं है, जब भी खाना खा के उठे तो एक दफ़ा ये जरूर एक दफ़ा खड़े हो, रिलैक्स करें और फील करें खाना का यहाँ तक तो नहीं आ रहा, ये जो यहाँ तक आने वाली फीलिंग है दिस इज़ रॉन्ग, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। यही वो एक हैबिट डिवेलपमेंट, एक हैबिट कह लें, ये हमारी जो डिवेलप हो रही है और साल हर साल से किसी ने कभी पूछा नहीं कि भाई पेट भर के नहीं खाते, सुन्नत पे खाते हैं। ब्रेकफास्ट आपका हैवी होना चाहिए, लंच उससे कम, डिनर उससे कम। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में अनाज आपने सुबह लेना है, फल को दो हिस्सों में डिवाइड करके आधा सुबह आधा शाम लेना है, भूख लगे तो नट्स का इस्तेमाल करना है, और डिनर में आपने ज़बरदस्त किस्म की प्रोटीन खानी है, तेल का इस्तेमाल कम से कम करना है, एक चाय के चम्मच से ऊपर तेल इस्तेमाल नहीं करना, कोशिश करें जैतून की फॉर्म में खाएं, और मॉर्निंग का इस्तेमाल करें दो सुबह दो दोपहर दो शाम, तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से वेट कम कर लेंगे। आखिरी पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी टाइप डाइट की ऐसी नहीं निकली अभी तक किसी किताब में जिसमें लिखा हो कि भाई ये चीज़ खा लेंगे ना, ये दवाई खा लें, सप्लीमेंट खा लें, तो बेशक फिजिकल एक्टिविटी ना करें तो कुछ भी नहीं होगा आपको। ये गलत बात है। आपको कोई भी इंसान ऐसे क्लेम करे कि भाई हमारा फलाना सप्लीमेंट लें, फलाने टाइप की डाइट इस्तेमाल करें, फॉर एग्जाम्पल कीटो शीटो या जो भी डाइट्स हैं, कि वॉक ना करें, वॉक के बगैर फिजिकल एक्टिविटी के बगैर चीज़ ठीक हो जाएगी, नहीं ठीक होगी। पीपल आर लाइंग टू यू, झूठ बोला जा रहा है इंटरनेट पर जगह जगह, प्लीज़ ऐसे मत करें। फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कुछ नहीं ना होता वॉक कर ले, कुछ नहीं होता तो घर के अंदर, जैसे मुझे आज सुबह एक मैसेज आया हुआ था कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाए तो क्या करूँ, बाहर नहीं जा सकती, बर्फ़ कैनेडा की पेशेंट मेरी के बाहर बर्फ़ ही बहुत ज़्यादा, बाहर नहीं जाया जाता, सर्दी भी बहुत है, तो क्या करें। तो मैंने उनसे कहा घर के अंदर डंबल्स लें 2-2 kg के, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बेतहाशा पड़ी हैं यूट्यूब पे वीडियोज़, वहाँ वो देखें, उनको देख के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना शुरू करें, क्योंकि देखिए चर्बी का कम होना और बॉडी का शेप में आना ये दो डिफरेंट बातें हैं। शेप में लानी है तो फिजिकल एक्टिविटी के बगैर काम नहीं चलेगा। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ, देखा है मैंने, जिनका आइडियल वेट है, अपने जितनी हाइट के हिसाब से ना वेट, जितनी हाइट है उतना ही वेट है, पर उनकी बॉडी टोन्ड नहीं है। बॉडी के टोन होने का ताल्लुक होता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी से। आप ना करें फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी टोन कभी भी नहीं होगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट बहुत ज़रूरी, बॉडी की टोनिंग पर बात करते हैं, ये दो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी अभी बहुत ज़रूरी। अगर आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं, चीनी वाले मीठे का, मिठाई के फॉर्म में, डिज़र्ट्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप चीनी का अगर इस्तेमाल करते हैं ना, और अगर आप तेल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब ज़्यादा में इस्तेमाल करते हैं, आप कोई फ्राई चीज़ करके खा लिया चौथे दिन, बेशक रोज़ाना नहीं, चौथे दिन की बात कर रही हूँ, तब भी बॉडी टोन नहीं होगी। बॉडी टोन करने के लिए चीनी ज़ीरो, तेल खाने का तेल मिनिमल, बहुत कम, जितना बस हल्का सा गीला ही किया हो उसने अगर साल में, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। और फिजिकल एक्टिविटी जिनकी नहीं है, ये तीन चार चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें मिलकर करती हैं बॉडी को टोन। अगर आपको टोन्ड बॉडी चाहिए ना प्रॉपर, वो जो लड़कियों को पसंद होता है कि पेट अंदर अंदर हमारा लगा हो, एक प्रॉपर टोन्ड बॉडी हो और एक थोड़ा मस्कुलर बॉडी हो, मस्कुलर से मुराद कोई डोले शोले नहीं, एक प्रॉपर लड़की हुई ना हो जैसे, तो इसके लिए आपको ये थोड़ी आदत जो है अपनानी पड़ेगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करें, अच्छी डाइट लें ताकि आगे की आपकी लाइफ आसान हो, अभी की तो गुजर जानी है, आगे की लाइफ आपकी आसान हो, और उसी इंसान की होगी जिसकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, जिसकी खुराक आज अच्छी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल रह गया हो तो ज़रूर कीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ गर्मी में बैठी हूँ, तो मालदीव्स में आप लोगों के पास लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जहाँ भी आप लोग बैठे वीडियो देख रहे हैं, अच्छा खासा मौसम है और यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी है, और देर इज़ इवन नो फैन हियर। तो खैर, तो उम्मीद है वीडियो का फल मुझे मिलेगा, आप लोग इसे सीखेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, और मॉर्निंग ऑर्डर कराने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।